फैजाबाद सदर तहसील में कुल मामले 108 आए, जिसमें से मौके पर 6 का हुआ निस्तारण। अधिकांश मामले जमीन से संबंधित रहे। राजस्व के 44, पुलिस 22, विकास 13 व अन्य 29 मामले रहे। आज के तहसील दिवस में एसपी सिटी, सीओ अयोध्या, एसडीएम सदर, तहसीलदार, नायब तहसीलदार के साथ तमाम लोग शामिल रहे। फैजाबाद सिविल लाइन स्थित पुलिस लाइन में चल रहे 2900 महिला व पुरुष इंस्पेक्टरों की भर्ती प्रक्रिया में दौड़ में शामिल 15 युवकों को दौड़ के दौरान चक्कर आने से गिर गए, जिन्हें आनंद फानंद में जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया। प्राप्त जानकारी के मुताबिक 12 राउंड दौड़ लगाना था, पर बीच में ही 15 लोग गिर गए। डॉक्टरों के मुताबिक बताया कि सभी का उपचार चल रहा है। दौड़ हो रही थी पुलिस लाइन में, क्या हुआ था आप गिर पड़े थे? बताया जा रहा है कि RFID टैग जो है पाँव में लगता है चिप, उसमें जो प्लेट रहती है, तो घड़ी लगा के दौड़ने नहीं दे रहे थे, तो टाइम मैनेजमेंट हो नहीं पाया हमारे। मतलब 10 चक्कर 10.5 चक्कर 400 मीटर का ट्रैक है तो हो गया था, लेकिन टाइम ना पता लग पाने के कारण कुछ करके पॉकेट घड़ी लगा करके उनको मना किया गया, तो पॉकेट में रख के दौड़े, तो उनको पता चला, पता नहीं डिस्क्वालीफाई हुए कि नहीं, लेकिन हमें नहीं पता। लेकिन घड़ी लगाए दौड़ भी नहीं दिया गया, तो टाइम मैनेजमेंट नहीं हो पाया और मेरा 600 मीटर बचा रहा होगा, 3:30 4 मिनट बाकी था। यानी टाइम का वो टाइम मैनेजमेंट पता टाइम का मैनेजमेंट ना होने से जो है ये प्रॉब्लम नहीं पता चल पाता है, इसी से आप जो है चक्रा गिर पड़े। हाँ, फास्ट इंस्पेक्टर दौड़ हो रही थी, और क्या हुआ था जो आप गिर पड़े, कैसे क्या हुआ? वो कंफ्यूजन में गिर पड़े, मतलब 12 राउंड मारना था अपने को, लेकिन हम 13 राउंड मारे। क्या चिप लगा था? नहीं लगा था, चिप लगा था। तो चिप ने क्या लीड किया आपको? चिप तो लीड की, 23 मिनट में मेरा दौड़ कंप्लीट हो गया, लेकिन अब कंफ्यूजन के चलते तो अपना 13 राउंड मारे। 12 राउंड में तो रिलीफ था, कोई दिक्कत नहीं थी, लेकिन 13 राउंड मारने के चक्कर में चक्कर आने लगा। 12 राउंड फाइनल था आपका? हाँ, 12 राउंड फाइनल। अब कैसा महसूस कर, कैसे किया है? अब ठीक है, आराम है? आराम है। क्या नाम आपका है? मुकेश कुमार प्रजापति। कहाँ से हैं? आजमगढ़ जिले। उत्तर प्रदेश खेत मजदूर सभा जिला कमेटी फैजाबाद द्वारा फैजाबाद के प्रेस क्लब में एक विशाल सम्मेलन किया गया। श्री राम चौधरी एवं राज्य सचिव राजेश सहनी ने कहा कि उत्तर प्रदेश में जो दलित गरीब परिवार जहां भी 10 वर्ष से ऊपर रह रहा हो, उन्हें राज्य सरकार जमीन का मालिकाना कागजात उपलब्ध कराए। राज्य सरकार से मांग किया कि राज्य में 60 साल से ऊपर सभी वृद्धों की अनिवार्य रूप से पेंशन दी जाए, गरीबों की योजना में कटौती और मंदिरों के लिए बजटीय प्रावधान व्यवस्था का दिया जाए। आज के इस अवसर पर जिला अध्यक्ष अखिलेश चतुर्वेदी के साथ तमाम शामिल है। आज यहाँ पर किस तरह का आप लोग कार्यक्रम करें, क्या है? देखिए, अखिल भारतीय खेत एवं ग्रामीण मजदूर सभा की उत्तर प्रदेश राज्य कमेटी की बैठक है, उस सिलसिले में खेत मजदूर सभा के राष्ट्रीय अध्यक्ष रामेश्वर प्रसाद जी और मैं धीरेंद्र झा लोकप्रिय ग्रामस के राष्ट्रीय महासचिव में हूँ, इस बैठक में हिस्सा लेने के लिए फैजाबाद अयोध्या आए हैं। और अभी पूरे देश में गांव के गरीबों के क्या हालात हैं, मजदूरों की क्या स्थिति है, और मोदी जी की सरकार ने कैसे गांव को तबाह किया है, ग्रामीण गरीबों को तबाह किया है, उसको लेकर के अभी राष्ट्रीय परिषद की बैठक हमारी पटना में हुई थी, उसमें हम लोगों ने फैसला किया है कि मोदी जी के शासन के खिलाफ गांव और गरीबों की ओर से एक चार्जशीट जारी किया जाएगा, और उस चार्जशीट को लेकर के पूरे देश में 15 जुलाई से लेकर के 31 सितंबर तक एक राष्ट्रीय अभियान चलेगा, और उस राष्ट्रीय अभियान के जरिए हम लोग मोदी सरकार जो कारपोरेट प्रस्त सरकार है, अंबानी अडानी वेदांता प्रस्त सरकार है, इसके खिलाफ हम लोग एक राष्ट्रीय मुहिम को तेज करने जा रहे हैं। जहाँ तक मेरी बात मोदी सरकार के बरक्स है, तो हमारा साफ कहना है कि ये सरकार अंबानी अडानी को लुटाने के दिशा में काम कर रही है। बात तो हुई थी कि हम स्विस बैंक से काला धन लाएंगे, हिंदुस्तान के सारे पैसे जो विदेश में जमा है काला धन के रूप में लाया जाएगा, लेकिन इस दिशा में कहीं कोई प्रगति नहीं हुई। विदेश से तो काला धन नहीं आया, उल्टे देश का सफ़ेद धन
लुटेरे भगेरों के रूप में पूरे हिंदुस्तान से बाहर कालाधन के रूप में जाने लगा और सत्ता के संरक्षण में सरकार के संरक्षण में कई सैकड़ों लोग बैंक का पैसा लेकर के विभिन्न तरह के पैसे लेकर के भाग खड़े हुए हैं। यहाँ तक कि स्विस बैंक में हिंदुस्तान का काला धन का जमा। फैजाबाद सदर तहसील के प्रांगण में प्रांतीय नेतृत्व के आह्वान पर उत्तर प्रदेश लेखपाल संघ जनपद शाखा फैजाबाद के सभी सदस्यों ने अपने संवर्ग की विभिन्न मांगों को लेकर तहसील दिवस का बहिष्कार करके पुरजोर ढंग से एकता दिखाते हुए धरना प्रदर्शन किया। संवर्ग की मांगे जैसे वेतन उच्चीकरण करके ग्रेड पे 2800 रुपया करना, ACP विसंगत दूर करना, पेंशन विसंगत दूर करना, लेखपालों के दायित्वों एवं कार्यभार की वृद्धि को देखते हुए विशेष वेतन भत्ता 1500 रुपए करना, नियत यात्रा भत्ता के स्थान पर मोटरसाइकिल भत्ता 2000 रुपए करना। परंतु सरकार द्वारा उपरोक्त मांगों के संबंध में कोई संज्ञान न लेने के कारण संस्था के पूर्व घोषित कार्यक्रम के अनुसार जनपद के सभी तहसीलों के लेखपालों ने आज शाम 4 बजे धरना प्रदर्शन करके उप जिलाधिकारी महोदय के माध्यम से माननीय मुख्यमंत्री जी को ज्ञापन सौंपा गया। तहसील सदर में धरने की अध्यक्षता तहसील अध्यक्ष प्रदीप कुमार तिवारी व संचालन राम अभिलाक यादव ने किया। धरने में मुख्य रूप से अमरनाथ पांडे जिलाध्यक्ष, जिला मंत्री जयंतराम तिवारी, बद्री उपाध्याय, पूजा वर्मा, सुशील कुमार के साथ तमाम लोग शामिल रहे। हम 8 सूत्रीय मांगों को लेकर के पूरे प्रदेश में चरणबद्ध ढंग से हमारा कार्यक्रम चल रहा है। पहले चरण में 19 तारीख को हम लोगों ने तहसील दिवस का बहिष्कार किया। इसके बाद 25 से हम फिर काली पट्टी बांधते 25 तक काम किए, 25 से अभी 2 तक जो है हम ई डिस्ट्रिक्ट का बहिष्कार किए और आज से अनिश्चितकालीन हम लोग हड़ताल पे चले गए हैं। हमारी 8 सूत्रीय मांग है, हमारी उत्तर प्रदेश सरकार से मांग है कि हमारी मांगों का पूर्ति को पूरा किया जाए जिससे हम लोग काम करें। अगर आपकी मांगे नहीं क्या करेंगे अगला कदम क्या होगा? अगला अब तो हम अनिश्चितकालीन हड़ताल पे चले गए हैं, जब तक नहीं मांगी जाएगी तब तक हम हड़ताल। क्या नाम आपका? जयनारायण तिवारी, जिला।